हेमंत बिस्व शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। सर्वानंद सोनोवाल ने रखा था हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव, सभी विधायकों ने लगाई मुहर। इससे पहले सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को इस्तीफा दिया, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ही सोनोवाल ने सौंप दिया था इस्तीफा। थोड़ी देर में राज्यों में पहुंच सकते हैं बिस्व शर्मा, असम में सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। विधानसभा चुनाव में 75 सीट जीतकर बीजेपी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है, इनमें 60 सीटें बीजेपी ने जीती है। दिल्ली में लॉकडाउन को मिला हफ्ते भर का एक्सटेंशन, 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन दिल्ली में रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में सख्त प्रतिबंध लगाने का दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है, कल से मेट्रो भी बंद। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाना हमारी मजबूरी है। फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरी वश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। यूपी सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया, अब सब कुछ रहेगा बंद। यूपी में कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक रहेंगे सभी प्रतिबंध। यूपी में घर में इलाज करवाने वालों को ऑक्सीजन सप्लाई पर जोर, मुख्यमंत्री योगी ने दिए आदेश। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी, बीएचयू कैंपस में बने डीआरडीओ अस्पताल का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी चिट्ठी, बरेली में बद इंतजामी का किया जिक्र। जम्मू कश्मीर के 17 जिलों में लॉकडाउन, 17 मई तक बंदी, शादी में सिर्फ 25 लोग होंगे शामिल। हमारे देश में कोरोना बेकाबू, लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा केस, 24 घंटों में 4,03,738 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले। देश में एक दिन में फिर 4,000 से ज्यादा मौत, 24 घंटों में 4,092 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी, 24 घंटों में 3,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में अब भी 37 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज, मरने वालों का कुल आंकड़ा हुआ 2,42,000 से ज्यादा। हमारे देश में वैक्सीनेशन में आई तेजी, अभी तक 16,94,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश की राजधानी दिल्ली पर टूटा कोरोना का भीषण कहर, 24 घंटों में रिकॉर्ड 332 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17,364 नए कोरोना के केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2,60,00,000 वैक्सीन की मांग की, अगले 3 महीनों में दिल्ली में सभी के लिए वैक्सीनेशन का लक्ष्य। दिल्ली में फिलहाल 100 सेंटर पर हो रहा है वैक्सीनेशन, केजरीवाल ने कहा वैक्सीन उपलब्ध होने पर हम 250 से 300 वैक्सीनेशन सेंटर बना देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पर भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 53,605 नए कोरोना के मामले सामने आए, 864 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 298 लोगों की गई जान, 26,847 नए केस। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 241 लोगों की मौत, 27,397 नए पॉजिटिव। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 160 लोगों की मौत, 17,987 नए केस। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 127 लोगों की मौत, 19,436 नए केस। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 119 लोगों की मौत, 11,852 हुए नए कोरोना पीड़ित। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 118 की मौत, 8,390 नए कोरोना पीड़ित।
केरल में पिछले 24 घंटों में 41,971 लोग कोरोना पीड़ित, 64 की गई जान। बिहार में पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के आंकड़े, 12,948 नए केस। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 19 की मौत, 1,703 नए केस। कोरोना पर सरकार ने बदली पॉलिसी, अब संदिग्ध मरीज भी कोरोना सेंटर में हो सकेंगे भर्ती, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पॉलिसी में किया बदलाव, बिना पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों को संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। नई पॉलिसी के तहत किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इनमें ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं शामिल है, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का क्यों ना हो। किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड हो या ना हो। कोरोना के लिए स्वदेशी दवा को मंजूरी, डीआरडीओ की डीजी से कम होगी ऑक्सीजन की जरूरत, मरीजों को जल्द ठीक करने का दावा। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-70 लड़ाकू विमान जामनगर से पुणे लाए 2 ऑक्सीजन टैंकर। जर्मनी से आई मदद, फ्रैंकफर्ट से ग्लोब मास्टर विमान दवा लेकर हिंडन पहुंचा। अस्पताल बना धार्मिक स्थल, कोविड मरीजों के लिए लगे 300 बेड। अयोध्या में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस, कहा घर से न निकले, नियम का पालन करें। लॉकडाउन से परेशान मजदूरों का पलायन, यूपी में बसों की एंट्री बंद होने से अंबाला से पैदल ही निकल पड़े मजदूर। कोरोना काल में शादी पर नजर रखना था, खुद नाचने लगा हेड कांस्टेबल। नोट उड़ाने वाले हेड कांस्टेबल पर गिरी गाज, वीडियो वायरल होने के बाद किया गया सस्पेंड। नागपुर में लॉकडाउन बना मजाक, बाजार में उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली में मुस्तैद पुलिस, लॉकडाउन के लापरवाहों पर पैनी नजर। केरल के कोट्टयम में लापरवाहों पर सख्ती, बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने काटे चालान। तमिलनाडु में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान, 10 मई से राज्य में 2 हफ्ते की पूर्ण पाबंदी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन को बताया जरूरी, कलेक्टर के साथ बैठक की। कर्नाटक में भी लॉकडाउन का फैसला, 10 मई से 24 मई की सुबह 6 बजे तक सभी प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश के 180 जिलों में पिछले 7 दिनों से नहीं आया कोई भी कोरोना का केस। दिल्ली की साकेत अदालत ने जब्त किए 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर क्राइम ब्रांच से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, सोमवार तक देनी होगी रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिनों दिन बढ़ रहे हैं कोरोना केस, शनिवार को 1,312 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में 6,366 लोग इस वक्त कोरोना पीड़ित हैं, 199 लोगों की हो चुकी है मौत। बाराबंकी में हिंद कोरोना हॉस्पिटल में मरीजों के लिए धमकी भरा नोटिस, प्रशासन ने झूठी बीमारी पर इलाज बंद करने की धमकी दी। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने ऑक्सीजन की कमी का दिया हवाला, वीडियो वायरल। बुलंदशहर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने खारिज किया अस्थमा पीड़ित मरीज के आरोप, का लगातार नहीं दी जा सकती ऑक्सीजन, इलाज का बताया हिस्सा। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी ने का कमाल, बाड़मेर में 24 घंटे में कराया कोरोना अस्पताल का निर्माण। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 गिरफ्तार, गिरफ्त में आए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल। नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश, सेक्टर 58 पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में सामने आया पुलिस का संवेदनशील चेहरा, कोरोना के डर से एक बुजुर्ग महिला के शव को लोगों ने नहीं दिया कंधा, पुलिसकर्मियों ने कराया अंतिम संस्कार। कोलकाता के न्यू टाउन में दिखी इमोशनल डिस्टेंसिंग, कोरोना से जंग जीतकर लौटी महिला को मोहल्ले के लोगों ने किराए के घर में घुसने नहीं दिया। आजमगढ़ में पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकानदारों को पीटा, दुकान का शटर बंद कर रहे थे अंदर से बिक्री, पुलिस के पहुंचने पर मच गई भगदड़। यूपी के देवरिया में कोरोना का कहर, अंडीला गांव में 15 दिन में 20 मौत। देवरिया के वैदा गांव में एक हफ्ते में 12 मौत से सख्ते में लोग, बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उठे सवाल।
कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व को बंद किया गया। 500 कैमरे से जंगली जानवरों पर रखी जा रही है नजर। कोलकाता के न्यू टाउन में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोपी पकड़ा गया। 3 सिलेंडर जब्त।